है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज एक सेक्शन व्यू के बारे में, और जो हम सेक्शन काटते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसके बारे में कुछ सीखते हैं कि सेक्शन कमांड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कमांड है, आपके काम आएगी। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और सेकेंड ऑब्जेक्ट उससे एक और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, अब सपोज मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब एक सेकंड रेक्टेंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है और ये जो सेकंड रेक्टेंगल है, तो जो सेकंड रेक्टेंगल है ये फर्स्ट रेक्टेंगल के अंदर कुछ इंटरफेरेंस ला रहा है। ठीक है, अब सपोज मैं इसको हैचिंग कर देता हूँ, तो ये जो पोर्शन है ये इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस पोर्शन है। अब ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम सेक्शन में देखेंगे कि सेक्शन कमांड का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि इसका हम किस तरह से ये जो पोर्शन है इसको हम पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ हम इसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना मेजरमेंट कितना है, इसका जो डायमेंशन कितना है वो भी देखेंगे। आप एमएम में देख सकते हो या फिर आप इंच में देख सकते हो, जिस भी यूनिट में आप इस्तेमाल करते हो उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एनालिसिस में बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, जब भी आप एनालिसिस करते हो किसी दो ऑब्जेक्ट का या फिर असेंबली का, तो उसमें ये चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस स्केच को पहले मैं हाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके दो पार्ट हैं। ठीक है, अब सपोज़ ये कोई कंपोनेंट है, ठीक है, जो आपस में इंटरफेरेंस कर रहा है, कुछ हद तक इंटरफेरेंस कर रहा है, और आपको उसको देखना है कि कितना इंटरफेरेंस वो कर रहा है। ठीक है, तो आप या तो कंट्रोल एच का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर व्यू में जाकर एडिट सेक्शन में देख सकते हो, एक्स वाई प्लेन से आप देख सकते हो क्या सेक्शन है। तो इंटरफेरेंस का यहाँ से आपको ठीक से पता नहीं चल रहा कि किस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से इंटरफेरेंस कर रहा है। तो उसके लिए कुछ, जब भी आप सेक्शन काटते हो तो नीचे कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे एक्शन, और यहाँ पर है डिस्प्ले सेटिंग। तो यहाँ पर ग्रिड देख सकते हो, तो ग्रिड में आपको एक स्केल पता चल जाती है। ठीक है, तो एक्स और वाई प्लेन में आपको कुछ एक स्केल बता देगा कि कितना वो कुछ लाइंस को ड्रॉ करके, और एक स्केल बता देगा जो भी आप यूनिट लेते हो एमएम में या इंच में, तो वो आपको बता देगा कि हाँ इसके बीच में है। तो ये तो एक अंदाजे के लिए एक स्केल बना देता है, लेकिन उसके साथ ही इसमें कुछ और अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं वाई में, ठीक है, एक्स में सेक्शन काटता हूँ। काट के यहाँ पर केप सेटिंग में शो इंटरफेरेंस में जो आपको रेड कलर दिख रहा है, तो आप इसका रेड कलर जहाँ है तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरफेरेंस जो दोनों के बीच में हो रहा है, तो उस ये कलर से उसको शो कर देगा कि हाँ यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। वो 0.1, 0.5 कितना भी छोटे से छोटा जो इंटरफेरेंस रहेगा वो कलर से आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद सेक्शन कर्व सेटिंग में जाकर आप शो कर सकते हो सेक्शन लाइन को। तो जो उसमें लाइंस हैं वो लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब आप एनालिसिस में मेज़र में जाकर उस लाइंस को मेज़र कर लो कि कितना इंटरफेरेंस है, तो कितना है 5 mm। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरफेरेंस मेज़र कर सकते हो, देख सकते हो कोई ऑब्जेक्ट कितना इंटरफेरेंस है। अब कोई प्रोफाइल में अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको भी मेज़र कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर आपको 2D व्यू मिल जाता है कि 2D व्यू में वो लाइन डायग्राम में आपको बता देगा, ठीक है, कि कितना इंटरफेरेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में है। ठीक है, तो ये जब भी आप कोर केविटी बनाते हो, मोल्ड में कोई पार्ट बनाते हो, तो उसके बीच में आपको पता चल जाएगा आपको कोई टॉलरेंस देना है, कोई क्लियरेंस रखना है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या तो शाफ्ट या फिर आप होल के बीच में जो कुछ भी टॉलरेंस रखते हो, या फिर क्लियरेंस रखते हो, सॉरी। ठीक है, तो उस क्लियरेंस को देखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की कमांड है। अब यहाँ पर डिस्प्ले कर्व व्हाइल ड्रैगिंग, जब भी आप ड्रैग करते हो तो ड्रैग करते टाइम वो कर्व को शो करके रखता है। ठीक है, अगर आप उसको अनटिक कर दोगे तो वो कर्व को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ड्रैगिंग के दौरान ये आपके काम की चीज़ है। तो आप इससे कहीं पर भी देख सकते हो कितना इंटरफेरेंस है और कितना नहीं, तो ये आपके बहुत काम आएगा जब भी आप कोई पार्ट डिज़ाइन या असेंबली करते हो, तो उसमें बहुत यूज़फुल कमांड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए जब भी आप पार्ट डिज़ाइन करते हो। तो ये थी सेक्शन व्यू सेक्शन कमांड, और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्क्रीन कमांड है। तो ओरिएंटेशन में जाकर आप स्क्रीन कमांड को जब आप लेते हो, तो उसको उससे क्या होता है कि किसी भी सरफेस या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस से आप सेक्शन काट सकते हो। ठीक है,
तो स्क्रीन का ये यूज़ होता है, लेकिन वो जो फेस है वो एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है, तो वो काम करेगा। तो जैसे इस फेस से अगर मुझे सेक्शन काटना है तो आप स्क्रीन करके यहाँ से सेक्शन काट सकते हो, एक पर्टिकुलर फेस से आप सेक्शन काट सकते हो, वो एंगल पे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत यूज़फुल कमांड है, आप इसका यूज़ करके आप जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो तो बहुत सारी एनालिसिस आपको करना पड़ती है, तो इसका यूज़ करके आपके बहुत सारे जो डाउट होते हैं पार्ट्स से रिलेटेड वो भी बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ओके दोस्तों, बाय।